एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3। पार्ट 1 पहले कर लेता बेटा, उसमें हमने 4 क्वेश्चन करे थे, जिसमें पहले हमें यूनिक बताना था, इन्फिनाइट बताना था, मैनी सॉल्यूशन वाला बताना था, और दूसरा हमें बताना था के की वैल्यू वाले। तो के की वैल्यू 2 क्वेश्चन कर लेते, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। अब नया क्वेश्चन है भाई, 2 इक्वेशन हमें दी गई है और हमें किसी भी मेथड से सॉल्व करना है, या तो एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से, या दोनों से करना है सॉरी। तो बेटा एक मेथड से मैं करके दिखा देता हूँ, दूसरा आपको आता है, ठीक है। मैं कर देता हूँ उसको सब्स्टिट्यूशन से। इस इक्वेशन को ध्यान से देखना जरा, 3x + 2y 4, तो 3x की क्या आ जाएगी वैल्यू, उधर जाएगा ये 4 - 2y, हाँ कि ना। एक्स आ जाएगा मेरा 4 - 2y / 3। बोलो बेटा स्टेप समझ आया? कुछ नहीं करा बेटा मैंने, x की वैल्यू निकाल ली। अब जब बेटा मैंने वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू मेरी आई 4 - 2y / 3। ये वैल्यू मैं किस में रखूँ बेटा, देखो इससे निकाली वैल्यू, तो मैं रखूँ किस में, ऊपर वाले में, यानी किस में रखेंगे, 8x, यहाँ लिख दूँ क्या, 8x + 5y = 9 में आप ये वैल्यू रख दो। x की जगह आप क्या रख दो, 4 - 2y / 3 + 5y = 9, हाँ कि ना। एलसीएम लेना जरा, 3 और 1 का एलसीएम आ गया 1, तो ये ऊपर वाली टर्म तो ऐसी आ जाएगी 4 - 2y। 1 की टिक को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 आ गया 3 से, तो ऊपर वाले को भी 3 से कर दो, यानी 15y = 9। मल्टीप्लाई करना बच्चे, 32 - 16y + 15y, ये किधर गया बेटा, 27 आया, नहीं आया बोलो, बातें समझ आ रही है, तो आसान है। माइनस का 16y प्लस का 15y, आ गया हमारा -y = 27। y उधर लेके जाओ 27, 32 - 27 = आ गया y, और y आ गया मेरा 5। बात समझ आ रही है? जब मेरा y 5 आ गया, तो जहाँ y है वहाँ पे 5 पुट कर दूँ क्या, देखना, x = 4 - 2y / 3, y की जगह पुट कर दे बच्चे 5, 2 × 5/3, x आ गया 4 - 10/3 = -6/3 = -2। तो x की वैल्यू आ गई -2 और y की आ गई बच्चा 5। आगे बड़ा आसान क्वेश्चन था, पहले भी कई सारे क्वेश्चन इस टॉपिक पे हम कर चुके बच्चे, फिर भी नहीं आया तो आप पूछ लेना, कमेंट कर लेना, फ़ोन कर लेना, जैसे पॉसिबल हो आप बच्चे, चल इसको मिटो दूँ। क्वेश्चन चलते हैं फोर्थ के, क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसका पार्ट कौन सा बच्चे, फर्स्ट। हुआ क्या इसमें देखो, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस फिक्स, रिमेनिंग डिपेंडेंट नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड। क्वेश्चन बेटा बुक से देख लो, मैं आपको बताता हूँ क्या है। एक हॉस्टल के चार्ज फिक्स है और बाकी डिपेंड करता है कि आपने कितने दिन खाना लिया, कितने दिन खाना खाया। अब देखो मेरी बात सुनो, एक स्टूडेंट ए है बेटा, उसने क्या करा भाई, 20 दिन खाना खाया, 20 दिन उसने खाना खाया, और उसको कितने पैसे देने पड़े बेटा, 1000। टोटल उसके हॉस्टल के पैसे लगे 1000। एक स्टूडेंट भाई बी है, उसने कितने दिन करा, 26 दिन खाना खाया बच्चे, हॉस्टल तुम्हें पता है यार महंगे ही होते बेटा, उसको देना पड़ा 1180। अब हुआ क्या देखो, क्या है बेटा मैं बता दूँ, क्वेश्चन समझो ध्यान से, कि एक हॉस्टल में चार्जेस फिक्स है, मतलब यार मान लो तुमने एक दिन भी खाना खाया, एक फिक्स चार्ज आप मान लो एक्स, लेट फिक्स चार्ज बी एक्स, कि यार ये तो देना ही पड़ेगा भाई, एक्स तो आपको देना पड़ेगा, चाहे आप एक दिन रहो, चाहे आप दो दिन रहो, चाहे आप 10 दिन रहो, चाहे आप 20 दिन रहो, ठीक है, और बाकी आपका डिपेंड करता है आप कितने दिन रहे। तो अगर मैं एक्स फिक्स चार्ज मान लो एक्स, और एक दिन का मान लो, यहाँ लिख लो लेट वन डे चार्ज बी वाई। अब आप देखो ना, मान लो पहले वाले केस में ए के लिए एक्स तो लगना ही है भाई, और एक दिन का वाई है, तो 20 दिन का 20 × y = आ गया बेटा 1000। आ रही है बात समझ में? अब बी की बात सुनो ना, अब बी वाले ने क्या करा, वो 26 दिन गया, एक दिन का फिक्स मान लो एक्स, 26 दिन का क्या मानूँ, 26 × y =
1180। भाई आसान क्वेश्चन है कि नहीं है? हाँ बच्चे, अब देखो माइनस करना इससे, एक्स से एक्स लिया, माइनस सिक्स वाई बराबर ऑफ कितना आ गया, माइनस 180, माइनस से माइनस गया, वाई आ गया 180/6, 630। वाई की वैल्यू 30 आ गई। अब आपकी मर्जी बेटा, किसी भी इक्वेशन में आप वाई का वैल्यू पहले, सपोज पहले वाले में कर दिया एक्स प्लस 20y बराबर ऑफ 1000, हाँ कि ना, करना एक्स प्लस 20 × 30 बराबर ऑफ 1000, एक्स प्लस 60 बराबर ऑफ 1000, नहीं 600 आएगा ना, हाँ तो एक्स आ गया 400। मतलब आपसे क्या पूछा था, फिक्स चार्ज, मतलब भाई आपके 400 रुपये तो लग ही रहे हैं और बाकी डिपेंड कर रहा है आपके कितने नंबर ऑफ डेज आपने खाना खाया। बात समझ आ गई? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, थर्ड क्वेश्चन है बेटा, लेकिन थर्ड क्यों है, सेकंड क्वेश्चन है आपका उसी पार्ट का। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सबट्रैक्टिंग न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 1/8 इज छोड़िए, मैं सुन लूँगा। फ्रैक्शन क्या होता है यार, ऊपर भी एक होता है डिनोमेटर भी होता है, ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमेटर। आपने का कोई फ्रैक्शन में एक्स बाय वाई मान लो, लिख लो ना यहाँ पे, लेट फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सबट्रैक्टिव फ्रॉम न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर में से एक सबट्रैक्ट करा, डिनोमेटर की कुछ नहीं करा, डिनोमिनेटर में उसने कुछ भी नहीं करा, साफ साफ लिखा है व्हेन 1 इज सबट्रैक्टिव फ्रॉम न्यूमरेटर, तो क्या बन जाता है फ्रैक्शन 1/3, हाँ कि ना। बात समझ आ गई? यहाँ से बेटा क्रॉस मल्ट, इसको इससे करने का, इसको करना जरा, थ्राइस ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू वाई, 3x माइनस 3 बराबर वाई, वाई को उधर ले जाओ, 3 को उधर ले आओ, 3x माइनस वाई बराबर 3। एक क्वेश्चन आ गई, नहीं आ गई बोलो। अब दूसरे केस में उसने क्या करा है, इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडिड डिनोमिनेटर, कि जब डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दे, तो आपने कहा लेट, वही फ्रैक्शन था एक्स अपॉन वाई, अब न्यूमिनेटर को नहीं छेड़ा, हाँ तो कितना बन जाता है 1/4, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 × x इक्वल टू 1 × y + 8, 4x इक्वल टू y प्लस 8 और 4x माइनस वाई आ गया 8। बात समझ आई नहीं? अब दोनों इक्वेशन को साथ साथ रख लो, जैसे पहले किया था 3x माइनस वाई बराबर क्या था 3 और 4x माइनस वाई बराबर 8, साइन बदल दो, माइनस प्लस माइनस गया, प्लस का 3x माइनस का 4x, माइनस x बराबर ऑफ माइनस 5, x बराबर आ गया 5, x आ गया 5। अब करना क्या है, जहाँ मेरा x है उसमें लगा दो 5, 3 × 5 माइनस y बराबर ऑफ 3, 15 माइनस y आ गया 3, 15 माइनस 3 आ गया y और y आ गया 12। तो मेरा फ्रैक्शन क्या आ गया, मेरा फ्रैक्शन आ गया x अपॉन y, तो फ्रैक्शन मेरा x अपॉन y था, तो क्या आ गया फ्रैक्शन मेरा 5/12। उतार लो से फटाफट। यश नाम का एक बच्चा है, यश नाम तो अच्छा है, तगड़ा सा है ना, यश ने 40 मार्क्स एक टेस्ट में स्कोर करे, पास हो गया, बताइए यश हमारा पास हो गया, ठीक है। 3 मार्क्स हर एक सही आंसर के लिए उसको कितने मिले, 3 मार्क्स, अगर उसने कोई आंसर सही करा तो उसको 3 मार्क्स मिले, और जो रॉन्ग आंसर करा यानी इनकरेक्ट करा उसको कितने कटे, -1 बेटा। अगर हर एक आंसर के लिए उसको 4 मार्क्स मिलते, देखो पहली कंडीशन तो पूरी हो गई कि अगर यश एक बच्चा है, अगर उसने पहले वाले केस में 3 सही, मतलब टोटल उसके 40 मार्क्स आए, हर एक सही क्वेश्चन का कितना मिला 3 मार्क्स, गलत क्वेश्चन का कितना मिला -1, अगर सही क्वेश्चन का उसको 4 मार्क्स मिला होता, सही क्वेश्चन का उसको 4 मार्क्स मिला होता और 2 मार्क्स उसके गलत होते, किसके लिए, इनकरेक्ट के लिए -2, तो उसके मार्क्स कितने होते फिर, उसके 50 मार्क्स होते। अब आए समझ कहानी, देखो मैं समझाता हूँ कैसे।
अब इसी बात को हमें हमें क्या करना है, बताना है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने। एक बात सुनो ना, लेट लेट करेक्ट क्वेश्चन बी एक्स, करेक्ट क्वेश्चन बी एक्स दोनों केस में, एंड रॉन्ग क्वेश्चन या फिर इनकरेक्ट आप मान लो वाई। ठीक है, पहले केस में देखो, पहले वाले में मान लो एक्स सही है, एक सही का तीन मार्क्स, तो तीन एक्स हो गए। जो गलत है माइनस वन इंटू वाई बराबर चालीस। बात समझ आई नहीं आई भाई? ये नंबर ही तो है बच्चे। अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन से एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स से मल्टीप्लाई, टोटल मार्क्स तो आएंगे। माइनस इसलिए करा भाई क्योंकि माइनस वन है ना। अगर हम लिखते प्लस वन इंटू वाई तो फिर होता नहीं भाई, नेगेटिव के कट भी तो रहे तो अलग तो करोगे उसको। ठीक है, सेकेंड केस में क्या है भाई, चार मार्क्स करेक्ट के हैं, फोर इंटू एक्स माइनस टू इंटू वाई बराबर ऑफ पचास। अब दो इक्वेशन मेरे सामने आ गई, अब तो क्वेश्चन इतना मुश्किल रहा नहीं, फिर भी देखते हैं क्या इक्वेशन आ गई। थ्री एक्स माइनस वाई बराबर फोर्टी और आई फोर एक्स माइनस टू वाई बराबर ऑफ फिफ्टी। अब करना क्या बचे, सेम बनाने के लिए इसको चार से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को तीन से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ कि ना। थ्री फोर जा ट्वेल्व एक्स, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, माइनस फोर वाई बराबर ऑफ एक सौ साठ और नीचे है ट्वेल्व एक्स माइनस सिक्स वाई बराबर आया डेढ़ सौ। माइनस प्लस माइनस गया। अब आप देखो प्लस का फोर वाई माइनस का फोर, प्लस का सिक्स वाई माइनस का फोर वाई, प्लस का टू वाई, वन सिक्सटी में वन फिफ्टी आ गया टेन, टू वाई आ गया टेन और वाई आ गया टेन बाई टू यानी फाइव, वाई आ गया मेरा फाइव। अब सुनना मेरी बात, पहली क्वेश्चन पुट कर दो इसमें, थ्री एक्स माइनस वाई बराबर फोर्टी, हाँ कि ना। थ्री इंटू एक्स माइनस फाइव बराबर फोर्टी, थ्री एक्स इक्वल टू फोर्टी प्लस फाइव, थ्री एक्स आ गया फोर्टी फाइव, एक्स आ गया फोर्टी फाइव बाई थ्री यानी फिफ्टीन। मतलब ये है कि पंद्रह क्वेश्चन उसके सही गए और पांच क्वेश्चन उसके गलत गए। बात समझ आ रही? अब उसने बोला टोटल क्वेश्चन, यार पंद्रह सही हैं पांच गलत हैं, तो टोटल मिला के कितने हो गए, पंद्रह और पांच कितने हो गए बीस। आया समझ में क्या? क्वेश्चन अच्छे से समझ आया नहीं आया? आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन उठा। कहा गया है प्लेसेस ए एंड बी, ए और ए बी दो प्लेस है, ठीक है भाई। ये 100 किलोमीटर अपार्ट है, यानी एक दूसरे से कितनी भी दूरी पे है, 100 किलोमीटर। एक कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी, दे मीट इन 5 आवर्स। एक कार ए से चलती है, एक कार बी से चलती है और ये किसी सी पॉइंट पे जाके मिलते हैं। समझो ना, यहाँ से एक कार यहाँ चली होगी और यहाँ से एक कार उसी समय यहाँ चलेगी। अब इस कार की स्पीड कम होगी, इसकी जा रही होगी, टाइम पे तो आके मिलोगे भाई। मान लो तुम किसी का पीछा कर रहे हो, मान लो तुम पुलिस हो, तुम चोर का पीछा कर रहे हो, तो इसकी स्पीड कम रही होगी, इसकी ज़्यादा के तभी तो इसको पकड़ लेगा। ये थोड़ा ना यहाँ से चला, यहाँ से कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आके मिलेंगे ना। ठीक है, अब कह रहे अगर ये एक दूसरे की डायरेक्शन में चलते हैं, सेम डायरेक्शन में चलते हैं, तो ये कितनी देर में मिलते हैं, 5 घंटे में। अब आप एक काम करो, लेट स्पीड ऑफ ए बी एक्स और लेट स्पीड ऑफ बी बी वाई। आपने करा कि ए की स्पीड को एक्स माना और बी की स्पीड को मान लिया आपने वाई। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो मेरी बात, कि पांच भाई डिस्टेंस मेरा होता है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस मेरा होता है स्पीड इनटू टाइम, टाइम स्पीड मेरी थी एक्स, टाइम तेरा मेरा पाँच, तो डिस्टेंस कितना आ गया 5x। ये कौन सा डिस्टेंस आया मेरे भाई, ए सी का, बोलो भाई। ए वाला जो है सी को कितना डिस्टेंस कवर करा, ऐसे अगर मैं आपसे बी सी वाले का पूछूं, तो इसकी स्पीड वाई है, 5 घंटे में चला 5y। अच्छा एक बात देखो,
अगर मैं एक बात बोलूँ आप मुझे बताना सही है, ए सी माइनस बी सी बराबर ए बी। भाई आपने बोला ए सी, भाई ये रहा बी सी, ये रहा ए सी में से बी सी गया तो यही तो आएगा, बात तो सही है। ए सी आपका कितना है 5 × x, 5x, बी सी कितना है आपका 5 × y, ए बी कितना है 100। बोलो 5 कॉमन लिया, अंदर आ गया x − y = 100, और x − y आ गया 100/5 यानी 20। तो पहला आ गया आपका x − y आ गया 20। अब बताओ क्या आपको पहली इक्वेशन समझ आई है कि नहीं आई है, क्या आपको पहली इक्वेशन समझ आई है? चलिए दूसरी पे चलते हैं। दूसरी इक्वेशन में उसने क्या बोला है, इफ दे ट्रेवल इन डिफरेंट डायरेक्शंस दे मीट इन फायर। अब मान लो ये रहा ए, ये रहा बी। अब ए यहां से यहां चला, बी यहां से यहां चला, तो ये कितने घंटे मिलते, 5। बात समझ, इसे सी पॉइंट मान लो। अब ध्यान से सुनना, वही काम, ए की स्पीड आप मान लो एक्स, बी की मान लो वाई, 5 घंटे में कितने, मतलब एक घंटे मिला ना। हाँ देखो क्वेश्चन पढ़िए एक बारी बुक से आप, इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, तो एक घंटे में कितना गया 1 × x, ये घंटे में कितना गया 1 × y, डिस्टेंस होता है बेटा स्पिन टाइम, ठीक है। तो ये एक्स डिस्टेंस कवर करा इसने, ये वाई डिस्टेंस कवर करा। अच्छा देखना, ये डिस्टेंस यानी ए सी की वैल्यू आ गई एक्स, बी सी की वैल्यू आ गई वाई। यार एक घंटे से मल्टीप्लाई करा ना भाई, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस होता है स्पीड, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस क्या बताना है, होता नहीं होता ए सी प्लस बी सी बराबर, या सी बी लिख लो यार और बताओ, इक्वल टू ए बी, हाँ कि ना। ए सी कितना है 1 × x, बी सी कितना बेटा वाई, और ए बी कितना है हमारा 100। अब दो इक्वेशन मेरे सामने आ गई, दो कैसे, कौन सी आ गई, एक आ गई एक्स प्लस वाई 100 आ गया, दूसरा आ गया x − y = 20, हाँ कि ना। x से x जोड़ना, x से x जोड़ाया 2x, 100 से 20 जोड़ाया 120, तो x आ गया 120/2 यानी x आ गया मेरा 60। बात समझ आई, इसका मतलब ये बच्चे कि जो स्पीड थी ना इसकी, a वाले की होती 60, और x + y 100 है, देखना x + y 100 है, तो 60 + y = 100, y आपका आ गया 100 − 60 यानी 40। तो x की स्पीड आ गई 60 और y की आ गई 40। बात समझ आ रही नहीं आ रही, ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया, नेक्स्ट पे चले क्या, चलिए जाओ। क्वेश्चन है देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 square units इफ़ इट लेंथ इज रिड्यूस बाई 5, ठीक है समझते ना। एक रेक्टेंगल, अच्छा एरिया ऑफ रेक्टेंगल बच्चे क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, हाँ कि ना, ठीक है। अगर लेंथ को मैं 5 रिड्यूस कर दूँ, रिड्यूस मतलब क्या होता है मेरे भाई, कम कर देना, लेंथ आ गई, और ब्रेथ को 3 इंक्रीज कर दूँ, b+3, ब्रेथ को, लेंथ को 5 डिक्रीज कर दूँ और ब्रेड्थ को 3 इंक्रीज कर दूं, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना रिड्यूस हो जाता है। पहले क्या था LV, भाई लेंथ इनटू ब्रेड्थ बेटा, LV होता है नहीं होता। एरिया, लेंथ को 5 डिक्रीज कर दूं, ब्रेड्थ को 3 इंक्रीज कर दूं, तो एरिया क्या होता है, 9 रिड्यूस हो जाता है। बात समझ आई नहीं आई, अरे भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब मैं लेंथ को 5 रिड्यूस कर दूं और ब्रेड्थ को मैं 3 इंक्रीज कर दूं, तो एरिया मेरा कितना रिड्यूस होता है, LB − भाई एरिया तो है ही है बेटा, L × b एरिया है। बात समझ आ गई नहीं आ गई, ठीक है क्वेश्चन पढ़ो ना एक बार यार। अब आप क्या करना है देखो, L × b LB, L × 3 3L, −5 × b −5B, −5 × 3 −15, LB − 9, ये प्लस का LB, ये प्लस साइन इधर आके बदल जाएगा, कट जाएगा नहीं कटेगा, ठीक है। 3L − 5B − 15 = 9, 3L − 5B = 15 + 9,
थ्री एल माइनस फाइव बी बराबर ऑफ 24, थ्री एल माइनस फाइव बी बराबर ऑफ 24 इक्वेशन आ गई। उसी में दूसरा केस देखना, इफ यू इंक्रीज द लेंथ बाय 3, कि लेंथ को मैं 3 इंक्रीज कर दूं, कर दिया, एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट, ब्रेड्थ बाय 2, ब्रेड्थ को 2 कर दिया 2, तो एरिया कितना बढ़ जाता है 67। यार यहाँ पे लिख दो, थोड़ा जगह कम है ना यार, यहाँ लिख दो उसको, लो लेंथ को 3 इंक्रीज करा, ब्रेड्थ को 2 इंक्रीज करा, तो एरिया कितना बढ़ जाता है, बढ़ गया ना इस बार, इसलिए प्लस करा यार, वो स्टेटमेंट आपको देखनी पड़ेगी। हाँ अब सॉल्व करना चाहे इसको, एल इंटू बी प्लस एल इंटू एल टू एल प्लस थ्री बी प्लस सिक्स इक्वल टू एल बी प्लस 67। एल बी से एल बी गया, 12 प्लस थ्री बी प्लस 6 बराबर 67, 12 प्लस 3b आ गया 67 माइनस 6, 12 प्लस 3b आ गया आपका 61। बोलो अब आप देखो कि दो इक्वेशन तो मुझे मिल चुकी है, कौन कौन सी देखो, पहली इक्वेशन मिल गई थी 3l माइनस 5b बराबर 24, और दूसरी मिल गई थी भाई 12 प्लस 3b बराबर ऑफ 61। ठीक है भाई, अब क्या करना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से कर दो, इसको 6 बना रहे ना, तो 6l माइनस 10b बराबर ऑफ 48, 6l प्लस 9b बराबर ऑफ 183, माइनस 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 क्या आ गया, माइनस 19b, 183 में से 48 गया, देखना कितना होता है, 183 48 आ गया 5 7 में से 5 135। बच्चे थोड़ा सा हमने गलती कर दी, ध्यान से आप देखो ये जो स्टेप था, देखो 3l माइनस 5b माइनस 15 माइनस 9, ये माइनस 15 इधर आया होगा ना, तो ये माइनस 9 लिखना हम भूल गए, तो ये माइनस 9 ये आ जाएगा आपका 6, तो ये हमारी इक्वेशन यहाँ से हो गई थी गलत, है ना, तो इसको देखो सही लिख दो ना, तभी तो आंसर नहीं आ रहा। 3l माइनस 5b बराबर 6, और दूसरा आ रहा है 12 प्लस 3b बराबर ऑफ 61, हाँ कि ना, अच्छा ऊपर वाले को 2 से, नीचे वाले को 3 से, 6l माइनस ऑफ 10b बराबर ऑफ 12, 6l प्लस 9b बराबर ऑफ 183, माइनस 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 गया माइनस 19b, ये कितना आ जाएगा 170, माइनस 171, माइनस से माइनस क्या b आया 171 बाय 19, तो आ गया 9, b 9 आ गया। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, लेट अस सपोज में पुट कर दो, 3l माइनस 5b बराबर ऑफ 6, b 9 आ गया, 3l माइनस 5 इंटू 9 बराबर ऑफ 6, 3L आ गया 6 प्लस 45, 3L आ गया 51, L आ गया 17, L आ गया 17। बात समझ आ रही नहीं आ रही, इससे ज़्यादा करेंगे बेटा हम नेक्स्ट वीडियो।